अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ये यस पापा का कपास 100% कॉटन यार्न लिया है। www.yespapahandmade.com ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ये यार्न मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। इसमें मैंने वाइट कलर की बीड्स डाल दिए हैं और धागे में मोती किस तरीके से डालना है इस पर मैंने फुल ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं तो। और इसकी परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। सो, चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर 0.95 mm की हमने यहाँ पर नीडल ली है। इस तरह की नीडल्स भी आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। यहाँ पर मैंने ये ब्लैक कलर का स्कार्फ लिया है और आप देखोगे कि मैंने ये बैक साइड इसका लिया है, तो जब आप ये डिज़ाइन बनाओगे तो आपने भी इस तरीके से बैक साइड लेनी है ताकि फ्रंट में इसका फ्रंट लुक आए। सबसे पहले हमने फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट ले लेना है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन आएगी वहाँ पर, आपने ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अब कॉर्नर से हमें धागा डालना है इस तरीके से और सिंगल क्रोचेट हम बना लेंगे। सिंगल क्रोचेट बनाने के बाद हमें लेनी है यहाँ पर 3 चैन, 1, 2 ओके और 3, इस तरीके से 3 चैन लेने के बाद हम एक मोती पास करेंगे। इस तरीके से अब मोती को यहाँ पर आपने पकड़ लेना है और यहाँ पर मोती को हम लॉक कर लेंगे। सिंपली मोती को लॉक करने के बाद हमने मोती को पीछे की तरफ कर देना है और बराबर थोड़ा सा हल्का सा गैप छोड़कर हम फिर से 1 टाइम डबल क्रोचेट यहाँ पर हम बना लेंगे इस तरीके से। अब फिर हम लेंगे यहाँ पर एक मोती पास कर लेंगे, मोती को यहाँ पर लॉक कर लेंगे, फिर हम इस तरीके से मोती को यहाँ पर रखेंगे और मोती को लॉक कर लेंगे। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके थोड़े से गैप पर, हल्के से गैप पर हमें 1 टाइम डबल क्रोचेट बना लेना है। यस, और इसका फ्रंट से आप लुक देखो कितना प्यारा लग रहा है। कंटिन्यू ऐसे ही आपने इसे बनाते जाना है। मोती पास कर लेंगे, मोती को लॉक कर लेंगे एंड देन थोड़े गैप पर 1 टाइम डबल क्रोचेट बना लेंगे इस तरीके से। फिर एक मोती पास करेंगे, मोती को लॉक कर लेंगे और थोड़े गैप पर 1 टाइम डबल क्रोचेट बना लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये लेस में खिंचाव आ रहा है तो ये जो आप गैप्स बना रहे हैं उसे आप छोटे कर लो, तो उससे लेस में खिंचाव नहीं आएगा। तो एक बार आप फ्रंट से चेक कर लो, ये देखो आपकी लेस का लुक कितना प्यारा लग रहा है। सिंपल और सोबर सी ये डिज़ाइन बहुत प्यारी लगती है, ज़रूर ट्राई करना इसे। और अब कंटिन्यू हम इसे फॉलो करेंगे। डबल क्रोचेट जैसे ही आपने बना लिया, एक मोती आपने पास करना है एंड देन मोती को लॉक कर लेना है, फिर हम 1 टाइम डबल क्रोचेट बना लेंगे, फिर मोती पास करेंगे और मोती को लॉक कर लेंगे, फिर 1 टाइम डबल क्रोचेट बना लेंगे इस तरीके से। और अगर आपको लग रहा है कि लेस में खिंचाव है तो आप ये गैप्स को नज़दीक थोड़ा बना सकते हैं, लेकिन इतना गैप नॉर्मल है। ये देखें, आई होप कि आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है। और फ्रंट से भी इसका लुक देखो आप कितना प्यारा लग रहा है। बस आपने ऐसे ही ये पूरी लाइन आपने कंप्लीट कर लेनी है। अब मैं आपको थोड़ी और लेंथ इसकी बनाकर बताती हूँ। गाइज, ये देखें, ये है इसका फाइनल लुक और ये डिज़ाइन कितनी प्यारी लग रही है। सिंपल है और कितनी डिसेंट लग रही है। आप लोगों को भी अच्छी लगी, कैसी लगी ये लेस डिज़ाइन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
और बनाना भी बहुत ही आसान है, जल्दी से ये लेस डिज़ाइन बन भी जाएगी और बहुत ही यूनिक लुक आता है इसका। आप इसकी डबल लाइन भी बना सकते हैं, सेम ऐसे ही आपने कंटिन्यू फॉलो करना है। यहाँ पर एंड पर अगर आप वन साइड बना रहे हैं तो एंड में धागा कट कर देना है आपने, और सेकेंड लाइन फिर यहाँ से थ्री चैन थर्ड चैन के गैप से स्टार्ट होगी और फिर थ्री चेन यहाँ पर बनेगी, फिर एक मोती पास होगा, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट, फिर एक मोती पास होगा, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट, ऐसे करते हुए आपने सेकेंड लाइन भी बना लेनी है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग शेयर करोगे, और मैं ब्लैक बैकग्राउंड रखकर आपको एक बार इसका लुक बताती हूँ। ये देखें, मेरा कैमरा भी इसकी खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर रहा है क्योंकि फोकस होता है और फोकस में इतना प्यारा लुक नहीं आता है, लेकिन ये बहुत प्यारी लेस डिज़ाइन लग रही है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे। और मेरा एक और चैनल है अरबीना बुटीक, जहाँ पर मैं अभी मैक्रेम नीटिंग और एम्ब्रॉयडरी के प्रोजेक्ट्स शेयर करने का सोच रही हूँ, और ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोज़ शेयर भी की है। सो एक बार विजिट ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, वहाँ पर भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।